नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो है 1535 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो हरियाणा में 1535 पोस्ट पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ आ रही है, उसमें क्या है एलिजिबिलिटी, कौन कौन सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, यह नोटिफिकेशन जो है 20 दिसंबर 2022 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और यहाँ पर लिखा गया कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। जिन सब्जेक्ट में जो है आप फॉर्म आवेदन करेंगे उससे जो है 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जो है आपको जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, जियोलॉजिकल रीजनिंग, इनसे संबंधित और हरियाणा के कुछ कल्चर से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और टाइम क्या दिया जाएगा, तो कुल जो है टाइम 2 आवर्स दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स होगा, और यहाँ पर लिखा गया है कि जो निगेटिव मार्किंग भी ए रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का वेटेज होगा, रिटर्न एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो है 87.5% और इंटरव्यू जो है 12.5%। तो ध्यान रखना है 87.5% जो है रिटर्न एग्ज़ाम का है और 12.5% जो है इंटरव्यू का है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन्हें जो है मिनिमम जो है 50% मार्क्स लाने होंगे, और जो कैटेगरी में है वो 45% लाने होंगे। और ये भी लिख दिया गया है कि इंटरव्यू में 2 टाइम्स जो है जितने भी सब्जेक्ट में जिन जिन सब्जेक्ट में जितने सीटें रहेंगे उसके 2 टाइम्स जो है इंटरव्यू में छात्रों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही इनके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट में कितने सीटें आई हुई, ये टेंटेटिव है, मैं बता दूं अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है इतने ही सीट इन सब्जेक्ट में आने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल जो सब्जेक्ट की संख्या है वो है कुल है 16, और 1535 पर है। कैटेगरी वाइज जो है सीटों का यहाँ वर्णन किया गया है, तो देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है, सबसे बायोटेक्नोलॉजी में 11 सीटें हैं, बोटनी में 145 सीटें हैं, डिफेंस स्टडी में 35, इंग्लिश में 714, माइक्रोबायोलॉजी में जो है 2 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में जो है 21, फिलोसफी में जो है आप देख सकते हैं टोटल 6 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 119, पॉलिटिकल साइंस में 145, साइकोलॉजी में 120, पंजाबी में जो है 38, संस्कृत में 40, सोशियोलॉजी में जो है 5 सीटें हैं, टूरिज्म में जो है 8 सीटें हैं, और जूलॉजी में जो है 125। तो दोस्तों, कुल जो है 1535 पदों की संख्या है। दोस्तों, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी जो है आप जो है PG के साथ जो है मिनिमम जो है नेट क्वालिफाइड होने चाहिए या PhD होने चाहिए। तो ध्यान रखना है PG प्लस नेट या PhD जो है होंगे वही छात्र जो हैं ये फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जल्द ही जो है यह ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।